हमारे पास जो पहले नंबर पे है वो अमेजोन वेब सर्विसेज है। अमेजोन वेब सर्विस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि एक फ्लेक्सिबल, रिलायबल, स्केलेबल, इजी टू यूज एंड कॉस्ट इफेक्टिव क्लाउड कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस ऑफर करता है। ये प्लेटफॉर्म तीनों टाइप की सर्विस मॉडल ऑफर करता है, लाइक एस, पास एंड सैस। अब इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। 2002 में ये लॉन्च हुआ था और 2006 में इसने क्लाउड प्रोडक्ट्स लॉन्च की थी और 2019 में इसने 100 के करीब क्लाउड सर्विसेज ऑफर की हैं। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं, उन पर बात करते हैं। फर्स्ट जो है वो अमेज़न वेब सर्विस कंप्यूट सर्विस है। सेकंड माइग्रेशन है, उसके बाद स्टोरेज आता है, उसके बाद सिक्योरिटी सर्विसेज आती हैं, फिर डाटाबेस सर्विसेज आती हैं, एनालिटिक्स आती है, मैनेजमेंट सर्विसेज आती है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आता है, उसके बाद एप्लीकेशन सर्विसेज आती हैं, डिप्लॉयमेंट एंड मैनेजमेंट आती है, डेवलपर टूल्स आते हैं, मोबाइल सर्विसेज आती हैं, बिजनेस प्रोडक्टिविटी आती है, डेस्कटॉप एंड ऐप स्ट्रीमिंग आती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आती है और एआर और वीआर आती है। एआर स्टैंड फॉर ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वीआर स्टैंड फॉर वर्चुअल रियलिटी। उसके बाद कस्टमर एंगेजमेंट आती है और लास्ट पे गेम डेवलपमेंट आती है। एप्लीकेशन ऑफ अमेज़न वेब सर्विसेज में ये वेबसाइट की होस्टिंग प्रोवाइड करता है, एप्लीकेशन की होस्टिंग प्रोवाइड करता है, मीडिया शेयरिंग, मोबाइल एंड सोशल एप्लीकेशंस, कंटेंट डिलीवरी एंड मीडिया डिस्ट्रीब्यूशन आता है, उसके बाद स्टोरेज आता है, बैकअप आता है और डिजास्टर रिकवरी आती है। डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग एनवायरमेंट भी प्रोवाइड करता है, एकेडमिक कंप्यूटिंग भी प्रोवाइड करता है, सर्च इंजन एंड सोशल नेटवर्किंग आती है। और कुछ कंपनीज है जो बहुत फेमस है जो अमेज़न वेब सर्विसेज से सर्विसेज ले रही हैं, उनमें इंस्टाग्राम आता है, नेटफ्लिक्स आता है, ड्रॉपबॉक्स आता है, टॉकबॉक्स आता है और पीएम ट्रस्ट आता है। और भी बहुत सी कंपनीज हैं जो अमेज़न वेब सर्विसेज से सर्विसेज ले रही हैं। अब इसके बेनिफिट्स पे बात करते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन को प्रोग्रामिंग मॉडल्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस एंड आर्किटेक्चर्स वो प्रोवाइड करती हैं वो जिससे ऑलरेडी फेमिलियर होते हैं उस सिस्टम से। सेकेंड जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव है, ये कॉस्ट इफेक्टिव सर्विस प्रोवाइड करता है, ये कहता है कि आप उतना पे करें जितना आप यूज करते हैं। थर्ड पॉइंट है फास्ट डिप्लॉयमेंट्स, ये फास्ट डिप्लॉयमेंट्स ऑफर करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कैपेसिटी, आप इजीली ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं कैपेसिटी अकॉर्डिंग टू योर नीड। आप इजीली क्लाउड को एक्सेस कर सकते हैं विद लिमिटलेस कैपेसिटी। नेक्स्ट पॉइंट है हाइब्रिड कैपेबिलिटीज, आपको हाइब्रिड कैपेबिलिटीज भी ऑफर करता है, आप हाइब्रिड एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। इसका लास्ट पॉइंट है वो ये है कि डिप्लॉय योर एप्लीकेशन, आप अपनी एप्लीकेशन को मल्टीपल रीजन के अंदर अराउंड द वर्ल्ड आप इजीली डिप्लॉय करवा सकते हैं विद इन जस्ट अ फ्यू क्लिक्स। और मार्केट के अंदर जो इसकी रिकमेंडेशन है वो 85% है और जो अप्रूवल ऑफ सीईओ है वो 95% है। 2020 के स्टैट के मुताबिक अमेज़न वेब सर्विसेज ने सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किया है और देखते हैं कि नेक्स्ट 5 ईयर में ये कंपनी कहां जाती है और कौन सी कंपनी ऊपर आती है। ये टॉप 8 कंपनीज में से आपको कौन सी कंपनी अच्छी लगी है आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर इनके बारे में आपके पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो भी आप बता सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक के रिलेटेड आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर करूंगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला है या ये वीडियो आपको सीखने लायक लगी है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। आपको मेरे साथ कॉन्टैक्ट करने के सोशल लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।